चलिए देखिए बच्चों, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर स्क्रीन नहीं शेयर। ओके सॉरी बेटा, कर रहा हूँ, जस्ट वन मिनट। ओके सो वी स्टार्टिंग द टॉपिक अवर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अभी तक बच्चों हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, कि हम डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन के यूजेस क्या हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं बच्चों, मतलब ले दे करके टोटल 4 या 5 यूजेस हैं। और इन यूजेस में बेटा पहला यूज जो है, पहले यूज का नाम है रेट मेजरमेंट। तो पहली हेडिंग डालिए बच्चों आप लोग कॉपी में, रेट मेजरमेंट। हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेट मेजरमेंट। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का पहला यूज है। क्लियर? चलो यस सर। देखो निशांत, अब एग्जांपल के लिए मान लो बेटा कि आप किसी बर्थडे पार्टी में आए हुए हो। ओके, और बर्थडे पार्टी में आपको काम मिल गया कि भैया बलून फुलाओ। तो आपने बर्थडे पार्टी में आके बलून फुलाना शुरू कर दिया। अब आप जैसे जैसे बलून फुला रहे हो, तो इसमें जैसे जैसे आप एयर ब्लो कर रहे हो, एयर ब्लो करते जा रहे हो, तो ये बताओ कि टाइम के साथ रेडियस बदल रही कि नहीं बदल रही है? बोलो। हाँ सर, बदल रहे हैं। बदल रही है, तो मतलब रेडियस जो है टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। ओके, रेडियस जो है टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है। तो मतलब क्या कहोगे आप? आपके पास गिवन है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यू हैव गिवन, ये आपको गिवन रहेगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या इसी को बोलेंगे टी आर बाई डी टी। अब ये बताओ, अगर रेडियस बदलेगी तो बलून का वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ सर, बदलेगा। मतलब वॉल्यूम जो होगा बलून का, वॉल्यूम भी टाइम के साथ क्या होगा? बदलेगा। तो आप क्या, आपको पूछा जाएगा डी वी बाई डी टी, बोलेगा बताओ वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या है, बलून का वॉल्यूम क्या है। तो एक्चुअली होना क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में एक क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है कि किस रेट से वो चेंज हो रही है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इस चैप्टर में आपको फाइंड करना है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ क्वांटिटी। ये सारा समझ में आया क्या करना है इस चैप्टर में? आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है ना, कि किस रफ्तार से कोई चीज बदल रही है। चलिए, तो इस चैप्टर में आपको मेनली रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है कि किस रेट से कोई चीज बदल रही है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, है ना। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी बुक का जो है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और जब रेडियस 3 है और 4 है तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखिए क्या निकालना है आपको, एरिया, एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या निकलेगा बेटा, डी बाई डी आर और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आ गया कॉमन, अंदर क्या बच्चा, डी बाई डी ऑफ आर स्क्वायर, तो पाई और मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया बेटा, 2 आर। तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई आर। मतलब आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो आया वो कितना आ गया, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। अब आपको क्या लिखना है इसका, आपको लिखना है इसका, जब आपको दो सिचुएशन दिए, एक आर इक्वल टू 3 पर और एक आर इक्वल टू 4 पर, तो सबसे पहले डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 3, आंसर 6 पाई। यूनिट लिखना है, यूनिट कितनी आई, देखो बेटा एरिया की यूनिट ऊपर है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट नीचे है मतलब सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको काटना मत, काट दोगे तो समझ में नहीं आएगा रेट क्या है, है ना, यूनिट नहीं समझ में आएगी। तो पहला आंसर हो गया 3, दूसरा रेडियस की 4 दिए ना, आंसर 4 वैल्यू दिए ना, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह 4 रख दो तो कितना आ जाएगा, 8। समझ में आया? डी ए बाई डी आर कितना है, डी ए बाई डी आर आपका है 2 पाई आर। तो सेकेंड केस में आपको निकालना है डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल्स टू यार 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ गया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल टॉपिक है ये पहला, इसका है तो डिफिकल्ट चैप्टर, बट पहला टॉपिक रेट मेजरमेंट बहुत ईजी है। बोलो क्लियर हो गया? सर। हाँ मुस्कान, क्लियर समझ में आया कि उड़ गया? सो फर्स्ट आंसर इज सिक्स पाई एंड एट पाई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 cm³/s। क्वेश्चन को देखिए, साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के बदलने का रेट क्या दिया है, 8 cm³/s। तो तुरंत लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, लिखो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 8 cm³/s। ये आ गया आपका डी वी बाई डी टी। ओके दिस इज वॉट डी वी बाई डी टी। ओके आपसे कह रहा, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। ओके देखिए कह रहा है कि बताइए हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग जब लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। क्या है ये, क्यूब है। तो बच्चों एक रैंडमली क्यूब बना लो। ओके ये रैंडमली आपने क्यूब बना ली, ये रैंडमली आपने एक क्यूब बना लिया। अब आपको सबको पता है कि क्यूब की साइड क्या होती है, ए, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। ओके ये आपको दिया गया है, लेंथ ब्रेथ हेट हाइट ए। चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है, ये दोनों चीज़ को ध्यान रखो। वॉल्यूम का रेट दिया गया, कह रहा सरफेस एरिया का रेट बताओ जब एज दी गई है 12 cm। तो मतलब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बताना है, डी एस बाई डी टी, है ना, सरफेस एरिया का चेंज रेट बताना है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, आपको कितना दिया है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी आपको दिया गया है 8। तो d बाई डी टी, मुस्कान बोलो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, जल्दी बोलो मुस्कान, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, बस a क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 8 कर दिया यहाँ पे अपने। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये a का वेरिएबल है, ये t है, तो नीचे क्या आएगा d बाई डी ए a का क्यूब और ऊपर क्या हो जाएगा d a बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8। ओके तो a क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, वेरी सिंपल, 3a² और यहाँ हो गया डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8। ओके सो यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 8/3a². ये आ गया आपके पास डी ए बाई डी टी, ठीक है, आ गया क्या डी ए बाई डी टी। अब आपको क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज डी एस बाई डी टी, ये निकालना है। चलो बताओ यशराज, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है यशराज, क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, बोलो। अरे 6a² कितना होता है, 6a² तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर अपने पास, यहाँ बचेगा d बाई डी टी ए का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लेके आऊँगा, d बाई डी ए का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ए बाई डी टी, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 6a² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2a और डी ए बाई डी टी की वैल्यू तो निकाल रखी है हम लोगों ने, क्या निकाल रखी है देखो, डी ए बाई डी टी की वैल्यू 8/3a² तो a के कैंसिल, तो और 3 से कट जाएगा कितने बार, 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32, तो कितना आ गया 32/a। क्या आ गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस। हाँ और अब आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू आपको कब बतानी है, जिस समय एज 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर a की जगह 12 रख दो, तो आंसर कितना आ गया 32/12, काट दो इसको, 4 से कट गया 8 बार, 4 से कट गया 3 बार, आंसर क्या आएगा 8/3 cm² / s, क्योंकि एरिया होती है यूनिट सेंटीमीटर और टाइम होती है सेकंड। तो बच्चों बेसिकली ये फिजिक्स का पार्ट है। अब एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर 8/3 आया है क्या, देख लीजिए बिल्कुल सही आया आंसर 8/3। बोलो करेक्ट समझ में आ गया, यस सर। मुस्कान यशराज अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है इसको नोट कर लो। और अब एग्जाम्पल नंबर 1 से लगाना शुरू करो, एग्जाम्पल नंबर 1 से लगाना शुरू करो। बच्चों ये पार्ट जो है इस बार आपके सिलेबस से तो रिमूव कर दिया गया रेट मेजरमेंट, मगर इसको कर लो,
क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, ठीक ना, फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको छोड़ो, चलो इसको करो। ओके देखिए, यस सर। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो एक लैडर है 5 मीटर की लंबी, एक लैडर बना लो और ये वॉल पे लैंड कर रही है, तो ऐसा कुछ है सिस्टम, ये लैडर है, ये 5 मीटर लंबी लैडर, ओके। अब बेटा ये जो एरिया है यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, इसको एक्स मान लो, तो यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, तो अगर ये लैडर इधर घिसटेगी तो क्या बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, तो एक्स के बढ़ने की रेट क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी। अब ये लैडर अगर इधर खिसलेगी तो ये वाला हिस्सा जो है इसको वाई मान लो, अगर ये लैडर आगे खिंचटेगी तो यहाँ वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये इसके आगे बढ़ने की रेट क्या है, डी एक्स बाई डी टी, और इसके पीछे जाने की रेट क्या होगी, डी वाई बाई डी टी। तो इफ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लैनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये बॉटम, टॉप क्या होता है, ये टॉप होता है, ऊपर का हिस्सा टॉप, नीचे का हिस्सा बॉटम। कह रहा जो बॉटम है लैडर का वो अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो बेटा ये जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जो है ये इधर की ओर खिसक रहा है। अच्छा एक प्रॉब्लम है, ज़रा बुक में देख लेना ये 2 सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्योंकि अभी सारी यूनिट को अपन को सेम करना पड़ेगा। ज़रा बुक में देख लो अगर बुक आपके पास है कि ये 2 सेंटीमीटर की मीटर है, 5 मीटर की लैडर है 2 सेंटीमीटर, तो एक काम करो इसको मीटर में बदल लो, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। कोई बात नहीं, सेंटीमीटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हाउ फास्ट हिज हाइट इज ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कह रहा बताओ इसकी हाइट कितने रेट से कम होगी, मतलब आपको निकालना है बच्चों डी वाई बाई डी टी। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी कब, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा जिस समय लैडर का जो ये फुट है, पैर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर, मतलब जब x इक्वल टू 4 मीटर है उस समय आपको निकालना। चलो कैसे निकालें बेटा, अगर ये x है और ये y है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो आप, क्या पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। बोलो भाई। यस सर। इस ट्रायंगल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे यार अब तक क्यों नहीं बताया था भाई, जब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ पहले ही बोल देना था, स्क्रीन शेयर के बिना एक शब्द भी बोलूँ मतलब समझ जाओ गड़बड़ हो गई मुझसे, स्क्रीन शेयर कर दी, अभी तक कितना पढ़ा दिया मैंने। देखो देखो ये एक्स है ये वाई है, आपके पास मान लो ये लैडर है, ये लैडर खसक रही है, ये एक्स डिस्टेंस पे है और ये वाई डिस्टेंस पे है ना, तो एक्स डिस्टेंस से लैडर जो है आगे बढ़ रहा है, तो लैडर के फुट के आगे बढ़ने का रेट क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक्चुअली वो सेंटीमीटर था तो मैंने उसको मीटर में बदल लिया क्योंकि सारा मामला मीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जो है लैडर का फुट खसक रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी टी। इसके आगे बढ़ने की रेट क्या है, ये जो है ना ये वाला एंगल एंड इसका, ये आगे की तरफ गिर रहा है। कह रहा हाउ फास्ट द हाइट, हाइट डिक्रीज होगी, बेटा ये हाइट है, ये बताना है कितने रेट से डिक्रीज होगी, किस पावर से डिक्रीज होगी, है ना, डिक्रीज। व्हेन द फुट ऑफ द वॉल इज लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जिस समय एक्स कितना है 4 है, फुट जिस समय 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब 4 मीटर की दूरी पर है। तो देखो बेटा अगर ये एक्स है ये वाई है किसी टाइम पे, तो क्या मैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख सकता हूँ कि लिख सकता, बताओ। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2y डी वाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 25 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर, नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। Yes, sir. भाई डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको अपन ने टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले हो जाएगा 2y फिर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी, मतलब 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी। समझ में आया मुस्कान निशांत? सो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा x dx by dt, तो अगले पेज में लिख रहा हूँ y times of dy by dt is equal to x times of dx by dt. तो बच्चों कितना आ गया ये x upon y dy by dt equals to x upon y. एक मिनट, यहाँ पे माइनस भी था तो माइनस तो रहेगा ना. हाँ बिल्कुल रहेगा. तो माइनस x अपॉन x, x अपॉन y डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया. ठीक है, तो अब हमें क्या कह रहा है कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या दी गई है. डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.02 मीटर पर सेकेंड. तो माइनस x अपॉन y और यहाँ पर रख दिया 0.02. ओके, अब x की वैल्यू रखना और y की वैल्यू रखना है. बच्चों देखो ध्यान से, कहा गया क्वेश्चन में कि जिस समय आपको रेट निकालना है इसके गिरने का, जिस समय x था 4 मीटर, तो x की वैल्यू 4 रख दो. x की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा. ओके, तो x की वैल्यू आई हम 4 रखते हैं इधर पे. तो आइए x की वैल्यू जो है अपन 4 रखते हैं. तो यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू 4 रख दें तो माइनस 4, तो यहाँ आ गया माइनस का 4 इंटू 0.02. और y की वैल्यू लिखनी है हमें कि y की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए क्या रिलेशनशिप होती है हमारे पास, हमारे पास जो रिलेशनशिप हुआ करती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर. सो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर. सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और माइनस x की वैल्यू क्या दी गई, इस समय 4 दी गई है. तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16. तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9. सो y इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि रूट लेने पर. तो माइनस 3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, हमें y इक्वल टू प्लस 3 लेना पड़ेगा. सो y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए. सो आंसर कितना आ गया, माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड. तो चेक करते हैं, माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड. ओके यस, देखिए बिल्कुल सही आया है, माइनस 0.08 बाई 3 मीटर पर सेकेंड. इसको सेंटीमीटर बदल दिया, क्यों, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 0.08 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 8 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. कहो समझ में आया कि नहीं आया. हाँ ये चलो इसको नोट करो, बनाओ डायग्राम, इसको एक बार नोट करो. सबसे पहले देखो डी एक्स बाई डी टी दिया गया है, आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है. डी एक्स बाई डी टी का रेट दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है. ओके, समझ में आ गया. डी एक्स बाई डी टी देखो टाइम का रेट के साथ दिया गया है, एक्स का रेट टाइम के साथ एक्स का रेट दिया गया है और डी वाई डी टी आपको निकालना है.